सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जब से मुसलमान यादव और कुशवाहा जाति पर विवादित बयान दिया है, तब से बिहार की सियासत तेज है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, उसका इंतजार था। इसी कड़ी में विजय सिन्हा ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। जिस अंदाज में विजय सिन्हा ने रिएक्ट किया है, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे बयान की निंदा करने की बजाय विजय सिन्हा ने बयान पर अपनी सहमति दी है। पहले देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान सुनिए, फिर देखिए किस अंदाज में देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को सही बता रहे हैं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। कुशवाहा समाज अचानक विमुख कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7-7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आजाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है, तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था, और यही भी होता है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं चलाते हैं, सरकार जब भी काम करती है सबके लिए करती है, लेकिन विधायक सांसद को अपनी भावना प्रकट करने का भाव एक भाव एकदम स्पष्ट है। भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका भाव है कि आखिर ये लोग विकसित बिहार विकसित भारत के साथ चलने में क्या परहेज है, क्यों आपत्ति है, क्यों एक परिवार का एक व्यक्ति का एक भ्रष्टाचारी का बंधुआ मजदूर के तरह एक आतंकवादी उग्रवादी भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को क्यों तरजीह देता है? ये प्रश्न तो पूछेगा ही, ये तो जायज प्रश्न पूछता है लोग कि आखिर क्यों उसके पीछे इस तरह की भाव है। अरे उसी समाज में कई अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं राजद में मिलता है, क्यों नहीं कांग्रेस में मिलता है? राजद कांग्रेस के लोग का इस तरह का बंधुआ मजदूर बनाना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष को बंधुआ मजदूरी पर तो बोलना चाहिए। कल जोर करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज के सामने खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी के सामने, बिहार के अंदर आप देख लीजिए बुजुर्ग बुजुर्ग लोग तेजस्वी यादव जी के सामने कल जोर के खड़ा होते हैं। ये मेरा संस्कार और संस्कृति नहीं है, और ये लोकतंत्र इसका कहीं अनुमति नहीं देता है। राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई सांसद या विधायक या प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य का मुखिया चुनाव जीत कर आता है, तो फिर वो वोट देने वाले और नहीं देने वाले दोनों लोगों के लिए बराबरी से काम करता है। इसी कड़ी में देवेश चंद्र ठाकुर ने वोट नहीं देने वाले मुस्लिम यादव और कुशवाहा जाति पर अपनी भड़ास निकाली। उम्मीद थी कि बीजेपी जेडीयू के नेता बयान की निंदा करेंगे और देवेश चंद्र ठाकुर से माफी मांगने की अपील भी करेंगे, लेकिन जिस अंदाज में एनडीए के नेताओं का अब रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।